अपने कारनामों से हमेशा चर्चा में बना रहने वाला विद्युत विभाग एक बार फिर लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार विद्युत विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली से उपभोक्ता नहीं बल्कि विभागीय कर्मचारी नाराज हो गए हैं। मोबाइल फोन पर हुए वार्तालाप के दौरान गाली गलौज के मामले के चलते चर्चा में एक बार फिर यह विभाग चर्चा में आया है। आपको बता दें कि विद्युत विभाग का ये गालीबाज जेई अमेठी तहसील क्षेत्र के बेनीपुर पावर हाउस पर तैनात है, जिसका नाम शिव कुमार यादव बताया जा रहा है। इसी जेई द्वारा अमेठी पावर हाउस के संविदा कर्मी लाइनमैन को बार बार फोन कर अवैध रूप से लाइन जोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जबकि उस समय अमेठी पावर हाउस का 2 नंबर फिगर बंद था और सभी अधिकारी और कर्मचारी उसी बंद फिगर को दुरुस्त करने में लगे हुए थे। जेई द्वारा लाइनमैन को फोन कर उससे गाली गलौज करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। यही नहीं, इस जेई ने संविदा कर्मी लाइनमैन को देख लेने की धमकी भी दी है। इस मामले में सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह अवर अभियंता शिव कुमार यादव बेनीपुर पावर हाउस पर तैनात है। इसके द्वारा अमेठी पावर हाउस के सभी संविदा कर्मी लाइनमैन एवं कर्मचारियों को गाली देते हुए धमकाया गया है, जिसका ऑडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसी मामले में आज अमेठी पावर हाउस के सभी संविदा कर्मी एकजुट होकर गालीबाज जेई के खिलाफ शिकायती पत्र जनपद मुख्यालय गौरीगंज जाकर अधीक्षण अभियंता को देते हुए कार्यवाही करने की मांग की है। राधे श्याम मौर्य है, अमेठी पावर हाउस पे लाइन मैन के पद पर संविदा कर्मी हूँ। किस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे? सर, कर हमारी 2 नंबर लाइन भी डिस्टर्ब थी, हम लोग उसमें परेशान थे और बेनीपुर के जेई साहब जो हैं उन्होंने केबल जोड़ने के लिए बार बार सबको रिपीट कर रहे थे। हमें भी फ़ोन किया शाम को तो करीब 6:30 बजे के आसपास, तो फ़ोन पे थोड़ा मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली गुप्ता भी देने लगे। किसको दे रहे थे गाली गुप्ता? हमारे पूरे संविदा कर्मी को, अमेठी को, अमेठी पूरे स्टाफ को। तो ऐसे में आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये लोग चाहते हैं कि अधिकारियों से अपना निवेदन करेंगे कि उचित से उचित कार्रवाई की जाए इनके ऊपर, और ये भी कह रहे थे कि अगर अमेठी पावर हाउस का मुझे चार्ज मिल गया तो हम अमेठी वालों संविदा कर्मियों को हम देख लेंगे क्या कैसे करते हैं। धमकी दे रहे थे। हम संविदा कर्मचारी, हमारा नाम शिव कुमार गुप्ता है। अभी आप लोग अमेठी पावर हाउस पे प्रदर्शन कर रहे थे, क्या मामला है? मामला ये है, कल हमको सब लोगों को शिव कुमार जी बेनीपुर पावर हाउस पे वो हैं, तो उन्होंने हमको सबको गाली दिया, जूते से मारने की धमकी दी और अपने मोहल्ले में आने जाने के लिए भी धमकी दी है। क्या कारण है, क्यों? कारण ये है कि उन्होंने उनकी केबिल कोई जोड़नी थी, वो हमारे पास राम मूरत यादव हैं, वो हमारे पास बार बार फ़ोन कर रहे थे, तो हमारी 2 नंबर लाइन जो है ब्रेकडाउन थी, उसी पे हम सब लोग काम कर रहे थे पूरे स्टाफ। ऐसे में आप क्या चाहते हैं, उनके द्वारा गाली दिया गया है तो? हम ऐसे में चाहते हैं उनसे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर इस पर कार्रवाई ना हुई तो आगे क्या आपका कार्यक्रम रहेगा? फिर आगे बढ़ेंगे।